चोरी तो नहीं कर रहा है, चोरी कर रहे यार। जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों दिनेश राय टीम में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई अपडेट के साथ आते हैं। अब वहाँ पे एक और यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है आपका डाक विभाग की GDS, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ की भर्ती होनी है, 10वीं के आधार पर भर्ती होनी है, डायरेक्ट भर्ती होनी है, ना ही आपका एग्जाम होना है इसमें, ठीक है। आपके आप फॉर्म भरोगे, आपका जो जितना आपका परसेंटेज होगा उसकी जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए कितनी क्या वैकेंसी, पूरे वीडियो बताने वाले। इसका जो नोटिफिकेशन है, आप इसकी जो वेबसाइट पर जाएंगे आप लोग, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन इसका जो चलता है वो नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ये नोटिस चल रहा है, यहाँ पर लिखा है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट ऑफ द बॉयज और अनब्रैंक विलेज, ठीक है ना। ये पोस्टिंग 1200, ठीक है ना, 12828 ये पोस्ट निकली टोटल। इसकी जो डेट है वो यहाँ पर 22 मई से स्टार्ट होगा ये, और जो लास्ट रहने वाली है वो 11 जून तक रहने वाली है। चलिए हम इसके नोटिफिकेशन वो पढ़ लेते हैं और किस तरह आपको रजिस्टर करना होगा, क्या क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है, पूरी इस वीडियो में बताने वाले। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए, नए आए, आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब देखिए पहले इसका जो कोड देख लेते हैं कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है सभी, ठीक है। तो मैं इसे फाइनल लिस्ट में निकाल ली, यहाँ पर देखिए इसकी जो पोस्ट क्या क्या रहने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितनी पोस्ट है। मध्य प्रदेश का ये देख रहा है यहाँ पर 1155 पोस्ट है मध्य प्रदेश में, और जिसमें OBC की यहाँ पर आप लोग देखते हैं 414 पोस्ट OBC की हैं, ST की 461 पोस्ट हैं, और ST की आपकी यहाँ पर 585 पोस्ट हैं, EWS की 271 पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट ये भी है। टोटल जो पोस्ट हैं मध्य प्रदेश के अंदर वो आपकी 2992 पोस्ट हैं, 2952 पोस्ट हैं, 92 पोस्ट निकाली गई हैं, ठीक है। तो बड़े अच्छा मौका है। इसके पश्चात तो अनेक और भी राज्य हैं, आप लोग यहाँ पर देखते हैं आंध्र प्रदेश है, असम हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, आपका झारखंड, सभी में यहाँ पर निकाली गई है वैकेंसी, ठीक है। तो अपन करेंगे मध्य प्रदेश की बात। अब इसका जो मूल नोटिफिकेशन है वो यहाँ 20 मई को यहाँ पर जारी कर दिया गया था इसका नोटिफिकेशन, ठीक है ना। और आपका जो रहेगा डाक ग्रामीण डाक सेवा का आपका पद रहने वाला, ठीक है। इसके पश्चात के जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 मई से प्रारंभ हो जाएंगे और 6-11 जून तक ही चलने वाले हैं, ठीक है। यदि आपका फॉर्म भरते समय कुछ आपका गलत हो जाता है तो आप उसमें करेक्शन या एडिट उसमें कर सकते हैं, 14 जून तक आप उसमें एडिट करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, 12-14 जून तक। अब इसका जो आपका पद रहेगा, दो प्रकार का पद रहेगा, एक जगह BPM रहेगा, एक APM पद रहेगा आपका, ठीक है। इसमें आपकी जो सैलरी आने वाली जो BPM का पद रहेगा उसमें 12,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, 12,000 से 23,000 के बीच में रहेगी, और जो APM की रहेगी इसमें रहेगी 10,000 से 24,000 आपकी इसमें सैलरी रहने वाली, ठीक है। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो मैं बता दूं, आप लोगों को ऑनलाइन से फॉर्म भरना होगा इसमें, ठीक है ना। आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे फिर आपका जो मेरिट बनने वाली 10वीं के आधार पर, तो आपका इसमें डायरेक्ट आप भर्ती होनी 10वीं, आप नंबर आपके ज़्यादा होते हैं तो आपको यहाँ पर भर्ती आपकी हो जाएगी। इसमें जो एज है तो 18 से 40 वर्ष एज इसमें बता दी, और जो आपका आप कैटेगरी में आते हैं SC OBC जो भी आपको रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बता दी सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, आपका जो 10वीं के आधार पर आपका यहाँ पर जो मेरिट में आपका नाम किया जाएगा, और आप लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और जो साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान आपका होना इसमें अनिवार्य रहेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने बता दिया। तो ये बड़ा अच्छा मौका उन आवेदकों के लिए, आपको आवेदन इनकी जो वेबसाइट है हम दे देंगे, वेबसाइट पर उस पर आप जाकर क्लिक करना, रजिस्टर करना होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे आपको, इस तरह आपका चलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका उसमें रहने वाला हो जाएगा। तो इसके हम इसकी जो वेबसाइट बताई थी आप कहाँ से क्या करना है, तो आप लोग यहाँ पर जाओ इसकी वेबसाइट पर, यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा, मैं देख मैं खोल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जितनी पोस्ट हैं कितनी जगह वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते किस जिले में कितनी पोस्ट हैं, तो वो आप किस पर जाओगे, आप इस पर जाओगे, और मैंने यहाँ पर भोपाल सेलेक्ट लिया, तो मैं आप चल लेता हूँ विदिशा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मैं वो प्यूट पर क्लिक करूँगा, तो विदिशा जिले में जितनी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर दे जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर देख रहे एक एक पोस्ट है आपको, देख ये आपकी विधि चलेगी कोई पोस्ट है कौन कौन से डिवीजन में यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर हर जिले का हर उसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, ठीक है। ये 150 पोस्ट के अंतर्गत हैं आस पास, यहाँ पर आपका दूसरा जिले का देखना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, तो मैं आपको दूसरा जिले का यहाँ पर देख बता देता हूँ। तो आप जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैं मान लो करता हूँ यहाँ पर भोपाल के लिए, मैंने भोपाल क्लिक किया और व्यू पोस्ट पर क्लिक करूँगा, तो भोपाल की जितनी भी पोस्ट होंगी वो यहाँ पर देख जाएंगी, ठीक है। तो भोपाल में ओनली 25 पोस्ट ही हैं यहाँ पर, वो आपको देख जाएंगी, तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप लोग आवेदन करते हैं। आप तो किसी भी राज्य से हों, सभी राज्य का इसमें आवेदन हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक राज्य का इसमें आवेदन हो रहा है। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर क्लिक करेंगे, फिर आपको जो अप्लाई करना होगा, फिर आपका जो फीस पेमेंट होगा 100 रुपये रहता है इसका, फिर आपका जो कैंड ग्रीवियंस है, यदि आपको लगता है कुछ दिक्कत है तो आप लोग वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे जो रजिस्टर होगा वो आप लोग यहाँ रजिस्टर, अच्छा जिन लोगों का पहले से रजिस्टर है उनको ओनली अपना जो URID और पासवर्ड वो लॉग इन करना है यहाँ पे, और जिनका जो फ्रेशर है नए हैं तो वो इसमें आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ 10 मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी, ठीक है,
और आपका जो नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ठीक है, ये आपको सब डाल के आप एंटर करो तो आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएंगे, फिर आप उसका जो फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मौका, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोग आवेदकों के लिए जो इसमें डायरेक्ट भर्ती होना चाहते हैं, जिनके परसेंटेज हाई है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। ओके, तो थैंक्स।